बॉलीवुड और टीवी के महान कलाकार, सुप्रसिद्ध कलाकार शेखर सुमन जी आज बीजेपी में शामिल हुए। शेखर जी, पहले तो आपको बहुत बधाई। और आपने एक कहा कि मैं बहुत सकारात्मक हूं और राम जी का या ईश्वर की मर्जी होती है जब कुछ संयोग बनते हैं, जब आप आए। फिर आपने एक बार राजनीतिक सफर शुरू किया। जी, मैं शायद इसे राजनीति का नाम नहीं दूंगा, मैं इसे एक प्रवाह का नाम दूंगा। एक ऊर्जा का जो एक प्रवाह है उसमें मैं शामिल हो गया हूँ, क्योंकि ये प्रवाह मुझे सकारात्मक लगा। उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारी ऊर्जाएं, और सबसे बड़ी ऊर्जा नरेंद्र मोदी जी आदरणीय, क्योंकि ये उनकी ही बदौलत जो है ये प्रवाह आगे बढ़ रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में, जो भी उनकी जगह कोई कल और होगा, उसके आगे कोई और होगा, ये धारा हमेशा बढ़ते रहनी चाहिए। और ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसमें उनका हाथ बटाएं। ये कभी कभी ये हो जाता है पॉलिटिक्स में और राजनीति में, ये अक्सर देखा गया है कि जो अच्छा कर रहा है उसे अच्छा न करने दो। ऑपोजिशन का मतलब नहीं है अपोज करना, ऑपोजिशन का मतलब है सिर्फ आपको एक सही राह दिखाना और ये बताना कि सरकार भी कभी कभी गलत होती है, कि यहाँ आप गलत हो गए, इसको सही कर लीजिए, यहाँ इसका विरोध, इसको सही कर लीजिए। लेकिन सबका प्रयास होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है और इसे आगे बढ़ना चाहिए, और हर दिन हर रोज़ देश को एक कदम का एक कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसी सोच से प्रभावित होकर मुझे ऐसा लगा कि वक्त आ गया। जो मैं पहले भी कह रहा था कि हीरा मंडी रिलीज हुई है, मेरे पास प्रोफेशनली अभी बहुत काम है और मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेरा फिल्म का करियर है। इसलिए मैंने कहा कि आज नहीं आऊँगा, फिर जाने कब आऊँगा। ऊपर से एक ऐसा आदेश आया, मुझे लगा कि अब कल ही हुआ और मैं आज आ गया। बल्कि परसों मैं इंटरव्यू दे रहा था तो किसी ने कहा कि आप राजनीति में तो अब नहीं आएंगे। मैंने कहा अभी तक तो नहीं सोचा है, लेकिन मैं ना भी नहीं करता हूँ। स्थितियाँ कब किस तरह से पैदा होंगी, परिस्थितियाँ मुझे नहीं मालूम। कभी ना नहीं कहना चाहिए किसी के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और देखिए ये हो गया। एक अंतिम सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि सकारात्मक होना चाहिए, विपक्ष को वहीं चेक करना चाहिए जहां जरूरी हो। अगर देश विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और सकारात्मक तरीके से, तो उसमें सबको सहयोग। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और हम सबका सहयोग इसमें ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं अगर एक इंसान भी उसको एक नेगेटिव एक कॉनोटेशन दे देता है, एक नेगेटिव नकारात्मक एक उसको दिशा दे देता है, तो हमारा देश थोड़ा पीछे आ जाता है। इसलिए सबके सहयोग की ज़रूरत है, सबके सोच की ज़रूरत है। ये सोचिए कि जो आगे जो इंसान है, जो हम सबका नेता है, जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और किस किस को वो खुश करे। एक को खुश करता है दूसरे बुरा मान जाते हैं, तीसरे को करता है तो पहला वाला बुरा मान जाता है। हमें ये सोचना है कि वो उस इंसान को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ आलोचना करते रहें ये सही नहीं है। बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग, अलग अलग भाषा, पहरावा, खान पान, ये सोच, मानसिकता इतनी अलग, सबको बटोर के संजो के एक साथ रखना एक नामुमकिन सा काम है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण नज़र आ रही है, पिछले 10 साल से उसमें एक गति आई है। एक बिखरा हुआ देश थोड़ा सिमटा है, थोड़ा हमें अपने अस्तित्व का, अपने वजूद का, अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता का, अपनी भाषा का सब ज्ञान ज़्यादा हुआ, और उसमें हम बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कि पहले कहीं इस तरह से जय हिंद का नारा नहीं लगता था, इस तरह से झंडा फहरने पर लोग इतने गर्व से नहीं खड़े होते, होते थे कि चलो अब है तो खड़ा होना, अब वो गर्व से होते। ये जो गर्व की भावना आई है ना, ये बड़ी खूबसूरत है। ये थे हमारे साथ शेखर सुमन जी, उनका कहना है कि सकारात्मक माहौल है और देश में अगर कोई नेता नेतृत्व अगर आपके देश को विकसित बनाने की कोशिश में है तो सहयोग करना चाहिए। कैमरा पर्सन मोहम्मद नेम के साथ मनीष कुमार मिश्रा।